सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंडरी पानी में पिकअप हादसा हुआ है। पिकअप के पलटने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 11 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिलासपुर जिले के निजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ललिता ध्रुव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि नर्स काम के दौरान अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रो रही थी। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते नर्स ने ऐसा कदम उठाया होगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बीते 8 जुलाई को रायपुर के खमारदी थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस वे में हुए राम यादव के अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों भावेश यादव, नंदू सोना, चेतन निषाद व अजय मोमराज को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में 24 घंटे के दौरान फिर सोमवार एक हत्या हो गई। अब सोमवार रात युवक ने अपने फुफेरे भाई को मार दिया। दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर को पत्थर से कुचल दिया। वारदात के बाद आरोपी भाई भाग गया। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के हिमरापुर चौक में रहने वाले किशोर से रामलीला मैदान में मारपीट कर मोबाइल छीनने का प्रयास करने वाले आरोपी आकाश शर्मा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में पर्स व मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों निकेश निषाद व तोरण पाल उर्फ लालू को बोरझार के पास घेराबंदी कर पकड़कर उनके पास से 6 नग मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है। कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रामपुर आईटीआई के सामने स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर शिवलिंग के नाक को उखाड़कर फेंक दिया है और भगवान हनुमान जी की मूर्ति में लगी चांदी की आंखें निकाल ली और वहां रखी हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ भगवद गीता और रामचरित मानस को जला दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बलरामपुर जिले की पुलिस ने खाद बीज दुकान की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लग्जरी वाहन समेत 75,000 नकदी, 4 मोबाइल फोन और दर्जनों सिम कार्ड भी बरामद किया है। कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल कंपनी से नकली इंजन ऑयल की जांच व कार्रवाई के लिए अधिकृत नई दिल्ली ब्रांड एडी एंड रिक्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिलीप कुमार की शिकायत पर प्रेमनगर पुलिस ने बाजार पारा स्थित 37 ऑटोमोबाइल के यहां दबिश देकर 38 लीटर अलग अलग नकली कैस्ट्रॉल ऑयल सील बंद डिब्बा बरामद किया है। तहसीलदार डॉक्टर अंजलि शर्मा ने विधानसभा चौक के पास सकरी गांव में स्थित संतोषी प्लास्टिक संस्थान में औचक निरीक्षण कर 8 क्विंटल 75 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। वहीं नायब तहसीलदार नारायण चंद्राकर ने आरंग तहसील के कुटेसर स्थित श्री संघ पॉलीमर्स में छापामार कार्रवाई कर 3 क्विंटल 60 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। जसपुर में चोरों ने नौनिया ताला निवासी तालेश्वर दानी की 40,000 रुपए कीमत की बोर मशीन को रात में चोरी कर ले गए। सुबह जब पति पत्नी अपने बागान आए तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने तार समेत बोर मशीन को उठा ले गए।
रुपए के लेन देन को लेकर दो आरक्षकों का वीडियो वायरल होने की शिकायत के मामले पर एसपी अभिषेक पल्लव ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। निलंबित आरक्षकों के नाम कृष्णा सिंह और विजय सिंह हैं। दोनों पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ थे। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कुछ दिनों पहले बीजापुर से सड़क हादसे में घायल होकर आए मरीज के परिजनों से अपने आप को डॉक्टर होने की बात कहते हुए उनसे 2000 रुपए ठगाकर ले जाने वाले आरोपी भावेश मेश्राम को परपा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरी पारा में रहने वाले एक किसान ने अपने नाम पर 13 लाख रुपए का लोन लेने के बाद उनसे 2-2 लाख रुपए अपने दोस्तों को उधारी में दे दिया था। बाद अपने वापस पैसा मांगने पर लौटाए नहीं जाने की स्थिति में किसान की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को परपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के कोटा पुलिस द्वारा ग्राम करपिया के घनघोर जंगल में जुआ खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के कब्जे से नकदी 21,000 रुपए, 4 मोबाइल तथा 8 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बिलासपुर के पुराना सनीचरी में 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते एक युवक ने मेला पारा निवासी परमेश्वर साहू की बाइक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 385 नए मरीजों की पहचान हुई है। कोरोना के नए मरीज मिले हैं, इनमें दुर्ग से 53, राजनांदगांव से 38, बालोद से 18, बेमित्रा से 26, कबीरधाम से 3, रायपुर से 69, धमतरी से 48, बलौदा बाजार से 17, महासमुंद से 9, गरियाबंद से 2, बिलासपुर से 27, रायगढ़ से 15, कोरबा से 24, जांजगीर चांपा से 22, मुंगेली से 11, गोरेला पेंड्रा मरवाही से 1, सरगुजा से 5, कोरिया से 7, सूरजपुर से 8, बलरामपुर से 12, जशपुर से 5, बस्तर से 4, दंतेवाड़ा से 1, कांके से 4 मरीज शामिल हैं। राजधानी रायपुर में चाकू की नोक पर मोबाइल और पर्स लूटने का ताजा मामला सामने आया है। टिकरापारा क्षेत्र निवासी पीड़ित जवान अपना पार्सल लेने सुबह 4 बजे अंतरराज्यीय बस स्टैंड जा रहा था। उसी समय 2 युवकों ने उसे रोककर चाकू मारने की धमकी देते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शाहनवाज खान एवं एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामानुजगंज के ग्राम पंचायत आरा गाही नवापारा में शराब के नशे में धुत युवक ने मामूली विवाद में अपने पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह टांगी लेकर अन्य लोगों को भी मारने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे काफी मशक्कत के बाद पकड़ा। कोरबा जिले के सीएसीबी पुलिस चौकी क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। उससे रेप उसके ही मकान मालिक ने किया है। वह किराया लेने आया था मगर किसी बहाने से रुक गया। इसके बाद उसने देखा कि बच्ची अकेली है तो उसने रेप किया और भाग निकला। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के ग्राम निपानी स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों के खातों में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बालोद पुलिस ने फरार चल रहे प्रबंधक तामेश्वर नागवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। बेमित्रा जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को प्रशासनिक अमला शहर के निजी अस्पतालों की चेकिंग के लिए निकला हुआ था। सर्वप्रथम शहर के शालोम अस्पताल में पहुंचे, जहां पर
डॉक्टर अरविंद साहू द्वारा नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था। उक्त नर्सिंग होम को प्रशासन की टीम द्वारा सील कर दिया गया है। कांकेर जिले में छोटे कापसी क्षेत्र से स्कूली बच्चे सहित सवारी लेकर रेंगवाही से बेठिया होते हुए बांधे जा रही सवारी गाड़ी कुजूर मंगलवार को नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। वाहन पर सवार स्कूली बच्चे सहित कुल 8 लोग सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। मैनपुर गरियाबंद मुख्य मार्ग पर मैनपुर से 9 किलोमीटर दूर डबनई जोगी मोड़ के पास गरियाबंद पीपल छेड़ी से सीनापाली देवभोग जा रहा बोलेरो वाहन पलट गया, जिससे वाहन में सवार 8 लोग घायल हो गए, जिनका मैनपुर प्राथमिक इलाज किया गया। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में ग्राम मेहंदी में मंगलवार को कैप्सूल वाहन से सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बिलासपुर रेफर कर दिया। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में धर्म विशेष के युवक द्वारा कथित रूप से दूसरे वर्ग की किशोरी के अपहरण की घटना से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नाराज ग्रामीण आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। बलौदा बाजार के सदर बाजार रोड मंडी रोड पुराना नगर पालिका रोड के दुकानदारों का अवैध कब्जा हटाने मंगलवार को नगर पालिका परिषद का अमला पहुंचा। इस दौरान महादेव किराना दुकान के दुकानदार ने आक्रोशित होकर स्थानीय महिला पार्षद सविता प्रदीप साहू की दुकान पर धावा बोलते हुए पार्षद सविता साहू के साथ गाली गलौज की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदू विधवा अपनी आय या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, उसके पास स्वयं की कोई संपत्ति ना हो और वह अपने पति के संपत्ति से अपना गुजारा करने में असमर्थ हो, तो अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। बिलासपुर में वलराज पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ झूठी शिकायत और ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले पूर्व पंप संचालक मोहम्मद तारिक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व संचालक ने पहले तो इंडियन ऑयल कंपनी और जीएसटी से झूठी शिकायत कर दी, फिर समझौता करने के लिए धमकाते हुए 1 करोड़ की मांग कर पंप मालिक से 7 लाख रुपए वसूल भी लिए। ट्रेनों में यात्रियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन चुराने वाले एक आरोपी को आरपीएफ की मंडल टास्क टीम रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट और जीआरपी दुर्ग की मदद से गिरफ्तार कर उसके पास से 66,480 रुपए के लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया गया है।